हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सफ़ेद कद्दू यानी कि पेठा फल की बड़ी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पेठा फल की बड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस बड़ी को किस तरीके से तैयार किया जाता है। सफ़ेद कद्दू या फिर कोहरे की बड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कोहरा ले लिया है। अब इसका जो छिलका है वो आपको निकाल लेना है इस तरीके से, और वॉश करके छोटे छोटे पीस में यहाँ पर मैंने कट करके रखा हुआ है। इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। अगर आप चाहे तो घिस भी सकते हैं, लेकिन घिसने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इसे मिक्सी के जार में डाल करके इसका पेस्ट बना लेती हूँ। ये काफ़ी आसान होता है। तो ये देखिए, कोहरा को यहाँ मैंने ग्राइंड कर लिया है, और यहाँ अब मैंने ले लिया है बेसन। तो बेसन यहाँ पे आपको कोई भी ले लेना है। तो मैंने थोड़े से मसूर दाल और थोड़े से चना दाल दोनों को मिक्स करके मिक्सी के ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। इसको हल्का सा आपको दरदरा ही ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। ये देखिए, बिल्कुल नज़दीक से मैं आपके दिखा रही हूँ। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे कूटा हुआ अदरक। बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है यहाँ पे अगर आप अदरक डालते हैं तो। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। मैं डालती हूँ, थोड़ा सा जो टेस्ट है इसका बढ़ जाता है, अच्छा लगता है खाने में, जो यहाँ पे हमारी अदौरी बनेगी वो। और अब डाल देते हैं मेथी का पाउडर 1 चम्मच। तो मेथी को यहाँ पे मैंने रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद मिक्सी के जार में डाल करके उसका पाउडर बना लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हल्का हल्का सा पानी डाल करके इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ, जिस जार में मैंने यहाँ पर मेथी को भुना था उसी जार में हल्का सा पानी मैंने डाल दिया है, ताकि मेथी का जो फ्लेवर है वो यहाँ पे पूरा अच्छे से आए। मेथी की जो मेथी का जो फ्लेवर है वो आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको मेथी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। बड़ी मैं थोड़े थोड़े ही बना रही हूँ, अभी धूप काफ़ी कड़ा हो गया है, तो एक दिन में ज़्यादा बढ़िया नहीं बनाए, थोड़े थोड़े करके बनाए तो आपको सहूलियत भी होगी। और इसको फेंटने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आपको चाहिए कि थोड़ी थोड़ी बनाइए, ताकि वो अच्छे से फिट जाएगी तो बढ़िया काफ़ी सॉफ्ट बनेगी, नहीं तो हार्ड हो जाएंगी। तो ये देखिए, अब जो बड़ी का बैटर है वो तैयार है। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता पतला करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इसमें कोहरा भी ऐड करेंगे, तो कोहरा मैं इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद देख लेंगे, अगर ज़्यादा गाढ़ी लगेगी तो और हम इसमें पानी डाल देंगे, और नहीं तो मुझे लगता है हो जाएगी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको आपको फेंट लेना है अच्छे से। और अब इसको आपको अच्छे से फेंटना है, और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। ये नहीं कि एक बार इस तरह से फेंटेंगे और दूसरे बार इस तरीके से फेंटेंगे, एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है। और चेक करना है कि बैटर जो है वो सॉफ्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसका एक तरीका है, क्या है कि एक बार ये देखिए पानी के नीचे मैंने डाला था और वो बैठ गया था, तो बैठ गया है तो इसका मतलब अच्छे से बैटर नहीं फिटा है और उसकी बढ़िया परफेक्ट नहीं बनेंगी। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, और ये देखिए अब जो घोल है वो ऊपर आ चुका है, इसका मतलब हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसकी बढ़िया अगर हम बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो चलिए अब हम बड़ी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रे ले लिया है, और ट्रे में यहाँ पे कपड़ा या फिर थैला कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपको धूप में जाने का मन नहीं हो, धूप से एलर्जी हो, तो इस तरीके से आप जो बढ़िया है वो नीचे बना सकते हैं, और इस थैले को ले जा करके फिर आप टेरिस पे डाल दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, मिक्स लेना है और अपने हाथों में हल्का सा पानी लगा लेना है, ताकि मिक्स जो है वो सटे नहीं। और अब थोड़ा थोड़ा सा ले करके इस तरीके से आपको बढ़िया बना करके तैयार करनी है। ये देखिए इस तरीके से आपको डाल देना है। आप कपड़ा या फिर पॉलीथीन कुछ भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ट्रे पे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से बढ़िया बना लीजिए। सारी बड़ियों को आपको इसी तरीके से बना करके तैयार करना है। बड़ी जो होती है काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, और जब कोई भी सब्ज़ी नहीं मिले तो आप बड़ी बना करके रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा दिनों तक आप इसको अगर चाहे तो भी स्टोर कर सकते हैं, लगभग 6-7 साल आराम से ये चलती है। अगर आप इसको बार बार धूप दिखाते रहिएगा, कुछ दिनों बाद जैसे 3-4 महीने हो गए तो फिर धूप इसको दिखा दीजिए, उससे क्या होता है कि बड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से लेकर के और सभी को डाल देना है।
तो ये देखिए बरियों को बना करके यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको हम धूप में डालेंगे सूखने के लिए 3 से 4 दिन के लिए, और 3 से 4 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो बरियाँ हैं वो कैसी बनी हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारी जो बरियाँ हैं सब अच्छे से सूख चुकी हैं, और सूखने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसी दिख रही हैं। ये देखिए काफ़ी बढ़िया ये दिखने में लग रही हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पर।